बुढ़ी हो गई अब तो मुझे। करेला वो भी नीम चढ़ा। हेलो गुड मॉर्निंग चीकू, मामा आपके लिए एक और ब्लॉग बना रही है आज। पर ये ऐसा कोई फर्स्ट वाला आपका स्पेशल ब्लॉग नहीं है जिसमें आप कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइक मूवी का या स्विमिंग का या स्कूल का, बट इट्स अ वेरी नॉर्मल डे लोगों के लिए। पर मेरे लिए ये आज थोड़ा सा खास है। खास इसलिए क्योंकि ये मेरा आज का बहुत हेक्टिक डे होने वाला है जो कि अभी स्टार्टिंग से ही हो चुका है। इसमें मैं सिर्फ ये कैप्चर कर रही हूँ कि आज मैं आपको घर को, ऑफिस को, किचन के काम को एंड एवरीथिंग में कैसे मैनेज करूंगी, बिकॉज आपके पापा आउट ऑफ स्टेशन हैं, यस, फॉर 2-3 डेज। और कल से जो हमारे कुक है उन्होंने भी छुट्टी ले ली है, और वो आपको देखती भी थी तो वो आपकी नानी भी थी तो वो भी नहीं आएगी। इसका मतलब किचन और आपको भी मुझे ही संभालना है। तो अभी मम्मा ना चुकी है, आप सो रहे हो, 9:30 हो रहे हैं, 8 o'clock आपका स्कूल टाइम था रिपोर्टिंग का जो कि मिस हो गया है, तो आप क्लास तो आज डेफिनेटली नहीं करने वाले हो। बट मैं आपको ऑफिस जाने से पहले डे केयर में ज़रूर डाल दूंगी, और आज आपका स्विमिंग क्लास भी शाम को, तो आपका वो भी अटेंड हो जाएगा। फिलहाल मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और आपको ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में उठाऊंगी और फिर रेडी करूंगी। लेट्स सी, देखते हैं मैं और चीकू आज ये दिन कैसे स्पेंड करते हैं। तो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ और जल्दी जल्दी उठ के मैंने सिर्फ अपने लिए रोटी बनाई है। चटनी आम की, कच्चे आम की रखी हुई थी, और कल रात को मैंने भिंडी बनाई थी वो बच गई थी, तो उसी भिंडी की सब्जी के साथ मैं अभी रोटी खा रही हूँ। और चीकू के लिए फ्रूट्स कट करके रखे हैं फॉर ब्रेकफास्ट। मैं जल्दी दिखा रही हूँ कि और लेट ना हो जाए, कहीं मैं अपने ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊँ। चीकू गुड्डा, गुड्डू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू, जू 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 जू, गुड मॉर्निंग, मुन्नु 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 मुन्नु। चीकू कहाँ से बोल रही है? अली ये तो चुप गई, देखो चलो चलो आ जाओ 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 जाओ, मम्मी जा रही है ऑफिस, जा रही है मम्मी ऑफिस जा रही है। तो रेडी हो चुकी है मेरे ना, पर नहाने धोने के बाद में खाना बनाना और फिर इसको रेडी करना, इसी में पसीने आ गए। मतलब कोई फायदा ही नहीं है ना सुबह सुबह नहा के, इसे तो अच्छा सारे काम निपटा के तभी नहाओ। अभी चले हम लोग स्कूल चले? नहीं नहीं, ऑफिस, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल चलो। हाँ चीकू को तो मैं ले आई हूँ, चीकू पीछे लेट के दूध पी रही है। फ्रूट्स नहीं खाए, दूध पी रही है रास्ते में। और मैं अभी जल्दी से पेट्रोल भरवा रही हूँ क्योंकि जब मैं बैठी तो मुझे याद आया कि मेरे तो गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, रिजर्व में आ चुका है। तो ये होता है ना सोने पे सुहागा। करेला वो भी नीम चढ़ा। एक तो ऑलरेडी मैं लेट हूँ, मेरे पास कुक नहीं है, मेरे पास मेड नहीं है, मेरे पास हस्बैंड नहीं है, और मुझे चीकू को छोड़ना था स्कूल, वो तो गई नहीं क्योंकि मैं उसको टाइम पे छोड़ ही नहीं पाई, उठा ही नहीं पाई। और अब मैं जब ऑफिस निकल रही हूँ टाइम के लिए तो उस पर भी बैठते ही याद आता है कि पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल लेने में भी लाइन लग के वो टाइम भी गया। अब सीरियसली मुझे लगता है इस ब्लॉग में ना हर जगह बस यही रिकॉर्ड होगा कि मैं कैसे कैसे हर एक चीज में ना फेल हो जा रही हूँ। चीकू को स्कूल भेजने में फेल हो गई, अपने ऑफिस भी मैं लेट ही पहुंचूंगी उसमें भी, पर कोई नहीं, क्या पता डे एंड।
एंड होते होते तक कुछ तो मैं टाइम पे कर लूँ, कुछ तो अच्छा कर लूँ समय से। कम गोदी आ जाओ, गोदी आना है ना। मम्मा ऐसी दोनों हाथ से बेटा मम्मा कैसे पकड़ती है आपको? सो थोड़ा सा लेट बट ठीक है, ज्यादा लेट नहीं हुआ है एंड आई हैव रीच्ड माय ऑफिस। चलो ऑफिस करके फिर बीच में ब्रेक होता है तब मैं बनाती हूँ व्लॉग। हेलो, मैं आ गई हूँ लंच पे घर। और लंच पे निकलने से पहले आज मैंने सोचा कि थोड़े कुछ काम निपटा लेती हूँ। घर पे फ्रूट्स नहीं थे तो मैंने सोचा फ्रूट्स ले लेती हूँ चीकू के लिए। मैं लेकर आई हूँ मैंगोस क्योंकि समर्स का टाइम है और आम ही आम है पूरे मार्केट में। पर क्योंकि मुझे आम की ज़्यादा वैरायटी नहीं पता है कि कौन कौन से आम होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। हाँ इतना पता है कि स्मेल करने पे अगर थोड़ा सा स्वीटिश एकदम स्वीट स्वीट सा स्मेल आए तो इसका मतलब वो आम पका हुआ है, बस इतना मुझे पता है। और मुझे मैंगो शेक बनाना था क्योंकि मुझे ना मैंगो शेक बहुत पसंद है तो मैं इसलिए ये वाला आम लेकर आई हूँ। आई होप इसमें काफ़ी पल्प निकलेगा जिससे मैं मैंगो शेक बना पाऊंगी। वैसे अगर आप लोग में से किसी को भी पता हो कि अभी के टाइम में, मतलब अभी मई की स्टार्टिंग है, इस टाइम पे मुझे कौन सा आम लेना चाहिए तो उसका नाम मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट मैं जाऊँ जब मार्केट तो वो वाला आम खरीद के लाऊँ। फिलहाल मैं मैंगो शेक के लिए ये लाई हूँ। और मम्मी कहती है कि जब भी मैंगोज लेकर आते हैं ना तो क्योंकि वो गर्म होते हैं इसीलिए उनको पानी में हमें डिप करके रखना चाहिए कुछ घंटों के लिए, तो यहाँ मैंने इनको पानी में डिप करके रख दिया है। और मैं साथ में लेकर आई हूँ ग्रेप्स। चीकू को ग्रेप्स बहुत पसंद है इसलिए मैं ग्रेप्स लेकर आई हूँ। एंड क्योंकि आपको, आप लोगों को तो पता है कि मेरी कुक चली गई है और मुकुल भी नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगी? अब शाम को जब चीकू आएगी घर पे तो मुझे उसके लिए जल्दी जल्दी कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए अभी लेकर आई हूँ मैं रेडीमेड इडली का बैटर होता है वो मैं बहुत हम लोग को पसंद आता है, वो बिल्कुल फ्रेश होता है तो मैं वो रेडीमेड इडली का बैटर लेके आई हूँ सो दैट कि शाम को जब चीकू घर पे आएगी तो उसको मैं तुरंत इडली या फिर डोसा या उत्तपम ऐसा कुछ मैं उसको बना के खिला दूँगी, है ना। सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ या कुछ बना लूँ लंच, क्या करूँ। वैसे एक काम कर सकते हैं ना, मेरे पास क्योंकि अभी टाइम है तो मैं थोड़ा सा उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। मैं जल्दी से कुछ सब्जी बना लेती हूँ जो मेरे रात को डिनर में भी काम पे आ जाएगी, थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ। अभी मैं भले ही नहीं भी खाऊँ पर रात को कम से कम हो जाएगा तो चीकू को आती हूँ मैं इडली खिला दूँगी एंड देन रात को डिनर की सब्जी हो जाएगी। बस मुझे रोटी बनानी होगी तो मैं झटपट से बना दूँगी। ओह शिट, मैं भूल ही गई, मैंने तो कल दही जमाने के लिए रखा था। चलो देखते हैं मेरी दही जमी। मैंने ना कल रात को ये दही जमने के लिए रखी थी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये दही जमी है या नहीं जमी है। ये तो ऐसी हो रही है बिल्कुल आइसक्रीम जैसी तो हुई नहीं, ये नहीं जमी है क्या यार? मेरे को दही क्यों नहीं जमती मुझसे आते ही नहीं, बताओ। इतना सिंपल काम है तो मुझे दही जमाना नहीं आता, मैं क्या करूँ? वो दही जमी क्यों नहीं पूछती हूँ पहले मम्मी को फ़ोन करके। तो मेरी मम्मी से बात हो गई और मम्मी ने कहा कि जो हम लोग गाय का दूध लेते हैं ना उसमें मेरे से वो एकदम थिक आइसक्रीम जैसी दही नहीं जमेगी, उसके लिए मुझे ना वो क्रीम वाला मिल्क ही लाना पड़ेगा पैकेट वाला, तब जाके जमेगी। नहीं तो फिर इसको बहुत ज़्यादा मुझे जो काऊ मिल्क होता है ना उसको बहुत ज़्यादा मुझे बॉईल करना होगा, उसको थोड़ा सा गाढ़ा करना होगा उबाल के, और तब मैं अगर दही जमाऊँगी तब मेरी वो आइसक्रीम जैसी दही जमेगी। तो अब ये ऐसी पतली दही रहेगी, जम गई है बट वो थोड़ी पतली है तो उसको मैं क्या करूँगी?
मम्मी ने बोला तुम उसका ना मट्ठा बना लो या लस्सी बना लो, ऐसा कुछ बना के उसको पी लो। तो ये भी अच्छा आइडिया है ना। मैं सोच रही थी लंच में क्या करूँगी, तो चलो मैं मट्ठा बना लेती हूँ और फिर मट्ठा पी लेते हैं। आप लोगों को देखनी है मट्ठे की रेसिपी? अभी नहीं दिखाऊँगी क्योंकि अभी मेरे को खुद ही देखनी पड़ेगी कहीं से उसके बाद, या फिर मम्मी से पूछनी होगी और तब मैं प्रॉपर मट्ठा बनाऊँगी। पर जब मैं प्रॉपर मट्ठा बना लूँगी ना, उसके बाद मैं फिर आप लोगों को रेसिपी ज़रूर बताऊँगी। मैं अब वापस जा रही हूँ ऑफिस, लंच ब्रेक ख़त्म हो गया है। और वैसे मैं अपने लिए छाछ या लस्सी बनाने वाली थी, पर मैंने दोनों में से कुछ नहीं बनाया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, रात को नींद पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए तो मैंने थोड़ी देर 10 मिनट की पावर नैप ले ली है। और रात के लिए मैंने सब्जी बना ली क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। रात की सब्जी बना के बस अब मैं फ्री हो गई हूँ। हल्का फुल्का कुछ मैंने ऐसे नमकीन बिस्किट टाइप्स खा लिया है, तो मेरा लंच हो गया। मैं निकल रही हूँ वापस ऑफिस। अब शाम को जब चीकू को पिक करने जाएंगे तो मैं फिर से अपने मोबाइल में व्लॉग बनाऊंगी। कंटिन्यू करते हैं तब। उतनी ही फ्रेश है। कहाँ जाने हैं बेटा? क्योंकि अब हम लोग घर जाएंगे ना, और आज मैं एक बहुत ज़रूरी काम की वजह से लेट हो गई। सुबह छोड़ने में भी लेट हुई थी और ये देखो आज मम्मी आपको पिक करने में भी लेट हुई। मतलब जो मम्मी आज तक कभी नहीं किया, आपको 5:15 तक हम लोग पिक कर लेते थे मैं या फिर आपके पापा, और आज आपको 6:00 तक रुकना पड़ा। और वो भी 6:00 पे भी मैं पिक करने नहीं गई। चीकू बेटा बाहर छोड़ दो, प्लीज बाहर छोड़ दो। मैं पिक करने नहीं गई, मेरी फ्रेंड है दिव्या, वो गई थी चीकू को पिक करने। और चीकू ने वहां पे भी चोपा कर दिया। वहां जाके बोलती है दिव्या को देखे कि दिव्या को जैसे पहचान ही नहीं रही है। फिर उसके स्कूल टीचर ने और प्रिंसिपल ने मुझे कॉल किया कि पिक करने के लिए कौन आया, उनका नाम वेरीफाई करिए। और तब जाके चीकू आई है। चीकू बेटा ऐसे क्यों किया आपने? आपने दिव्या मौसी को क्यों नहीं पहचाना? आपने क्यों नहीं बोला कि मैं दिव्या मौसी के साथ जाऊंगी? बताओ ऐसे क्यों किया? आपको मौसी के साथ नहीं जाना था? नहीं। अच्छा, इसीलिए आप ऐसे करके किए? बेटा मम्मी को सॉरी ना, थोड़ा सा काम आ गया था इसीलिए मम्मी फंस गई थी। अब आपको तो मम्मी कैसे कन्वे कराती मैसेज की बेटा मैं दिव्या मौसी को भेज रही हूँ, आज फर्स्ट टाइम हुआ है, बट रियली सॉरी। सॉरी इसलिए बोल रही क्योंकि मम्मा आज आपको पिक नहीं कर पाई। आज मम्मी का दिन ऐसे ही जा रहा है बेटा, क्या करूं? पापा बोलेंगे आपका ठीक से ध्यान नहीं रख रही हूँ आपके पीछे। लापे मम्मा लापे बैठ, लापे बैठ गई मम्मा। क्या खाएंगे हम लोग? फ्रूट्स खाएंगे। हाँ। ये चिकू का या मम्मा का? हाँ। ओके। मेरे को ये वाला खाओ। ये है क्या, मैंगो? मम्मा के पास में मैंगो शेम शेम, ये मैंगो अच्छा है ना? मैंगो की हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आम। आम। आपको तो मैंगो अच्छा लगता है ना? मेरे को आम में अच्छा लगता है। मैंगो का कौन सा कलर है बेटा? येलो। येलो। और ग्रेप्स का क्या कलर है? कौन से कलर है ग्रेप्स का? नहीं पता है। ग्रीन क्या होता है? फाइटे के पलटे है। चीकू को क्या खाना है? पिज्जा ऑर्डर करना है। पिज्जा ऑर्डर करना है? तो पापा अगर गए हैं बाहर घूमने तो मम्मी और चीकू घर में पिज्जा खाएंगे। चले खत्म करते मम्मा। क्या चीकू? मम्मा चीकू क्या करेंगे? मम्मा चीकू चलो कटा में पिज्जा काटे। सारा खत्म कर देंगे पिज्जा? हाँ। पिज्जा कहाँ से आएगा?
पापा नहीं मिलेगा है। अच्छा पापा को फोन करके बोले पापा पिज्जा ऑर्डर करो। नहीं मम्मी, मम्मी का ऑर्डर करेगी। हाँ। पापा ऑर्डर करेंगे, पापा गए हैं ना घूमने तो पापा वहीं से हम लोग के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देंगे, हम लोग यहाँ बैठ के खाएंगे। क्यों? है ना? हाँ। है ना? हाँ। पापा को बोल दो। हाँ। पापा को बोल दो पिज्जा बनवा दो हम ऑलरेडी। मम्मा लव यू मम्मा, लव यू मम्मा। ओ नहीं मेरे बच्चा, नहीं मेरे बच्चा, मेरा चश्मा, मेरा चश्मा छोड़ दे, छोड़ दे। ये सनफ्लावर है तो सनफ्लावर को सनफ्लावर के साथ मैच करो। वेरी गुड। अच्छा मम्मा को ये बताओ ये वाला कौन सा फ्लावर है? नहीं पता, नहीं पता। मम्मा मैं टीवी देखूं? हाँ देखूं। एप्पल कॉल चलाऊं? है गूगल चलाऊं? हाँ। ओके सो आपके पापा ने आपके बोलने पे पिज्जा ऑर्डर किया और हम लोग खा रहे हैं पिज्जा। चलो पिज्जा पिज्जा पिज्जा। मैं ऑन कर दिया। मम्मा एंड चीकू ईटिंग पिज्जा। हाँ। हाँ। चीकू को पिज्जा अच्छा लगता है? हाँ। देखो इधर, देखो 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 अब क्या कर रही थी बिन्नी लगा के मम्मी का, देखो। मम्मा को अपने बेबी बनाया। हाँ। आप मम्मा बने। हाँ। ओके सो रात हो गई है, 9:30 हो चुके हैं और आज वैसे आप इस टाइम पे नहीं सोते हो जब आपके पापा रहते हैं, पर आज आप जल्दी सो गए हो। शायद आज आपकी स्विमिंग क्लास थी, आप थक गए हो ज़्यादा बेटा इसलिए जल्दी सो गए। तो मम्मा ने आपको दूध देख के सुला दिया है। सो दिस वॉज माई डे टूडे। ये व्लॉग यही एंड करते हैं एंड सभी को बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।